स्टूडेंट्स वेलकम टू ईवीएस क्लास। स्टूडेंट्स आज आपका ईवीएस में एनुअल वर्क स्टार्ट हो गया है। इस वीडियो को सब बच्चे बहुत ध्यान से देखेंगे और अपने स्कूल की कॉपी में यह वर्क करेंगे। सभी बच्चे अपना काम कंप्लीट करने के साथ साथ अपना लर्न भी करते रहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए आपका पहला चैप्टर है आवर फेस्टिवल्स लेसन 70। ये आपको मैं बुक वर्क करवा चुकी हूँ, बुक वर्क मैंने आपको सेंड कर दिया था, बुक रीड भी करवा चुकी हूँ। अब मैं आपको दोबारा इसका कॉपी वर्क कंप्लीट करवा रही हूँ। ओके स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। आवर फेस्टिवल्स, पहले तो ये समझिए फेस्टिवल्स मीन्स क्या होता है। फेस्टिवल्स होते हैं त्यौहार। आवर हमारे त्यौहार, त्यौहार सब मनाते हैं, सबके घरों में त्यौहार मनाए जाते हैं, खुशी खुशी सब मनाते हैं। त्यौहार कौन कौन से होते हैं? त्यौहार होते हैं दिवाली, होली, दशहरा, लोहड़ी, रक्षाबंधन, तीज, ये सभी हमारे त्यौहार होते हैं। कुछ त्यौहार हमारे धार्मिक होते हैं, कुछ त्यौहार हमारे राष्ट्रीय होते हैं। धार्मिक त्यौहार जो हम अपने धर्म के अनुसार मनाते हैं, मान लीजिए हम हिंदू हैं, तो हम हिंदू धर्म के अनुसार होली, दिवाली, दशहरा ये त्यौहार मनाते हैं। अगर हम मुसलमान हैं तो हम ईद मनाते हैं, हम पंजाबी हैं तो हम लोहड़ी मनाते हैं, और हम सिख हैं तो हम गुरु पर्व मनाते हैं। तो ये होते हैं हमारे धार्मिक त्यौहार जो हम अपने धर्म के अनुसार मनाते हैं। देख कुछ त्यौहार होते हैं राष्ट्रीय त्यौहार। राष्ट्रीय त्यौहार वे होते हैं जो पूरा देश एक साथ मनाता है, जिसमें धर्म नहीं होता, जिसमें धर्म वगैरह नहीं होता, उसमें केवल हमारा राष्ट्र होता है, हमारा देश होता है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। आता है आवर फेस्टिवल्स, हमारे त्यौहार। देखिए तो हम सबसे पहले करेंगे वर्ड मीनिंग। क्या करेंगे? वर्ड मीनिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं वर्ड मीनिंग। फेस्टिवल्स, फेस्टिवल मीन्स त्यौहार, फेस्टिवल मीन्स त्यौहार। त्यौहार कैसे लिखते हैं? आधा तय यह पे औ की मात्रा है, आ रे, इसे हम कहते हैं त्यौहार। फेस्टिवल मीन्स त्यौहार। फिर आते हैं हमारा लाइट, एल आई जी एच टी, लाइट। लाइट मीन्स क्या होता है? लाइट मीन्स होता है रोशनी। लाइट मीन्स रोशनी। र ओ श न ई, रोशनी। लाइट मीन्स रोशनी। क्रैकर्स, क्रैकर्स मीन्स पटाखे। प ट आ ख ए, पटाखे। क्रैकर्स मीन्स पटाखे। ओके, आगे देखते हैं मॉस्क्यू। मॉस्क्यू मीन्स मस्जिद। मॉस्क्यू मीन्स मस्जिद। मैं आधा से पहले छोटी की मात्रा, ज द मस्जिद। मैं स ज इ द मस्जिद। रेन, रेन मीन्स क्या होता है? रेन मीन्स होता है बारिश। रेन मीन्स बारिश। ब आ र ई श बारिश। तो हमेशा ध्यान रखिए कि बारिश में र के ऊपर छोटी की मात्रा आती है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, रह के ऊपर हमेशा बड़ी की मात्रा लगाते हैं, लेकिन नहीं, बारिश, बारिश। फिर आते हैं हमारा रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे मीन्स होता है गणतंत्र दिवस। रिपब्लिक डे मीन्स गणतंत्र दिवस। और गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी को। कब मनाते हैं? 26 जनवरी को। तो गणतंत्र कैसे लिखते हैं? देखिए ग ण गण, तय तय के ऊपर अंक की बिंदी और त्रय, गणतंत्र दिवस। द छोटी ई व स दिवस, ये बन गया हमारा गणतंत्र दिवस। ओके, फिर आता है इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे मीन्स होता है स्वतंत्रता दिवस। इंडिपेंडेंस डे मीन्स स्वतंत्रता दिवस, जो हम 15 अगस्त को मनाते हैं। स्वतंत्रता दिवस यानी कि जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था उसे हम स्वतंत्रता दिवस कहते हैं। स्वतंत्रता दिवस कैसे लिखते हैं?
अधस्य वे ते अधन्य त्रे ते आ स्वतंत्रता द ई वे से दिवस स्वतंत्रता दिवस इसे हम कहते हैं स्वतंत्रता दिवस। फिर आता है हमारा कैंडल। कैंडल कैंडल मीन्स क्या होता है? कैंडल मीन्स होता है मोमबत्ती। मैं ओ मैं मोम बे ते ते ई बत्ती मोम बत्ती। ओके चलिए एक बार दोबारा स्टार्ट करते हैं। फेस्टिवल फेस्टिवल मीन्स त्योहार। लाइट लाइट मीन्स रोशनी। क्रैकर्स क्रैकर्स मीन्स पटाखे। मॉस्क्यू मॉस्क्यू मीन्स मस्जिद। रेन रेन मीन्स बारिश। रिपब्लिक डे रिपब्लिक डे मीन्स गणतंत्र दिवस। इंडिपेंडेंस डे इंडिपेंडेंस डे मीन्स स्वतंत्रता दिवस। कैंडल कैंडल मीन्स मोमबत्ती। ये हो गए आपके वर्ड मीनिंग। क्या हो गए? वर्ड मीनिंग। ओके स्टूडेंट्स अब आते हैं क्वेश्चन आंसर पर। देखिए पहला क्वेश्चन है नेम टू नेशनल फेस्टिवल्स। नेम टू नेशनल फेस्टिवल्स। नेशनल नेशनल मीन्स क्या होता है? नेशनल मीन्स होता है राष्ट्रीय। नेशनल मीन्स राष्ट्रीय। राष्ट्रीय त्यौहार हमारे दो राष्ट्रीय त्यौहार कौन से हैं? नेशनल मीन्स राष्ट्रीय। रे अधस्य टे टे के नीचे रे बड़ी की मात्रा और ये हो गए हमारे राष्ट्रीय। हमारे राष्ट्रीय त्यौहार कौन कौन से हैं तो हमें ये बताना है। तो मैंने भी आपको बताया था कि रिपब्लिक डे इंडिपेंडेंस डे और गांधी जयंती ये तीन होते हैं लेकिन हमारे से टू पूछा है तो हम टू ही लिखेंगे। तो हम लिखेंगे इंडिपेंडेंस डे आई एन डी ई पी ई एन डी ई एन सी ई इंडिपेंडेंस डी ए वाई। ये तो हो गया हमारा इंडिपेंडेंस डे। फिर आता है हमारा रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे कैसे लिखेंगे? आर ई पी यू बी एल आई सी रिपब्लिक और डी ए वाई रिपब्लिक डे। ओके आगे देखते हैं। आगे हु इज नोन एज द फादर ऑफ आवर नेशन। हु मीन्स कौन है? हम किसे भारत के राष्ट्रपिता के रूप में जानते हैं यानी कि हमारे राष्ट्रपिता कौन हैं? भारत के राष्ट्रपिता कौन है सबको पता है? महात्मा गांधी एम ए एच ए टी एम ए महात्मा जी ए एन डी एच आई गांधी महात्मा। कुछ बच्चे क्या कहते हैं एम ए एच टी एम ए लिख देते हैं इसमें ए काट देते हैं लेकिन वो गलत है। हम महात्मा बोल रहे हैं तो एम ए एच ए टी एम ए महात्मा जी ए एन डी एच आई गांधी तो हमारा बन गया महात्मा गांधी। फिर आते हैं हुज बर्थडे इज सेलिब्रेटेड ऑन क्रिसमस। क्रिसमस पर हम किसका जन्मदिन मनाते हैं? किसको मनाते हैं जन्मदिन? सबको पता है कि क्रिसमस पर हम जीसस जे ई एस यू एस जीसस सी एच आर आई एस टी क्रिस्ट जीसस क्रिस्ट का जन्मदिन मनाते हैं। क्रिसमस पर हम किसका जन्मदिन मनाते हैं? क्रिसमस पर हम जीसस क्रिस्ट का जन्मदिन मनाते हैं। केवल आपको ये शुरू का वर्ड लर्न करना है और तो सारा आपको क्वेश्चन में से ही मिल जाता है। देखिए ऊपर भी लिखा है या नीचे भी यही लिखा है। ऐसे महात्मा गांधी याद करना है और इज द फादर ऑफ आवर नेशन इज लगाने के बाद द फादर ऑफ आवर नेशन ऐसे लिखना है। फिर है आपका विच इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट। देखिए मैंने अभी बताया था कि फेस्टिवल ऑफ लाइट्स यानी कि रोशनी का त्यौहार। फेस्टिवल मीन्स रोशनी और लाइट्स मीन्स सॉरी फेस्टिवल मीन्स त्यौहार और लाइट्स मीन्स रोशनी। ये रोशनी का त्यौहार कौन सा होता है तो दिवाली। किस पर रोशनी होती है? दिवाली पर डी आई डब्ल्यू ए एल आई दिवाली। तो आगे आएगा दिवाली इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। दिवाली जो है वो फेस्टिवल लाइट्स दिवाली इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट। दिवाली जो है वो रोशनी का त्यौहार होता है। आगे देखते हैं विच फेस्टिवल इज द मंथ ऑफ फास्टिंग। कौन से महीने में कौन सा महीना
व्रत का महीना होता है। ईद इज द मंथ ऑफ फास्टिंग। ईद जो है, ईद का जो महीना होता है वो फास्टिंग का होता है, व्रत का होता है। तो याद रखेंगे, मुसलमान जो लोग होते हैं वो पूरे महीने व्रत रखते हैं और उसके बाद वे ईद मनाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। सब बच्चे अपनी कॉपी में वर्ड मीनिंग क्वेश्चन आंसर बहुत सुंदर राइटिंग में करेंगे, और वर्क करने से पहले सब बच्चे एक पेज पर एनुअल वर्क स्टार्ट जरूर डालेंगे, ताकि आपको भी यह पता रहे कि आपका वर्क कहाँ से शुरू होता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।